कर्नाटक में वोटिंग के दौरान तीन जगह हिंसा। विजयपुरा में ईवीएम बदलने की अफवाह पर गाड़ियां और पोलिंग मशीन तोड़ी, 1 बजे तक 37% वोटिंग। कर्नाटक विधानसभा में वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। यहां 224 सीटों में से 2614 उम्मीदवार मैदान में उतरे। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशन पर सुबह से बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। 1 बजे तक 37.25% वोट पड़ चुके हैं। कर्नाटक में पोलिंग के दौरान तीन जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने बताया है कि विजयपुरा जिले के बांसवाना बागेवाड़ी तालुक में लोगों ने कुछ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तोड़ दिया। उन्होंने पोलिंग अधिकारियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। यहां अफवाह उड़ी है कि अधिकारी मशीनें बदलकर वोटिंग में गड़बड़ी कर रहे थे। दूसरी घटना पद्मनाभ विधानसभा के पपैया गार्डन पोलिंग बूथ से सामने आई है, जहां कुछ युवाओं ने लाठियां लेकर अपने विरोधियों पर हमला किया है। इस हमले में वोट डालने आई कुछ महिलाएं घायल हुई। तीसरी घटना बल्लारी जिले के संजीव व रायान कोटे में हुई, जहां कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई दर्ज की गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।